क्लासिक बेस मॉडल हमारे पास आई थी जो कि हमने कन्वर्ट किया क्लासिक 11 में, और बॉडी पेंट जिसकी डॉटेड जो रेशेस आते हैं सेम हमने इसके अंदर रखे हैं। आप देख सकते हो चारों तरफ से बॉडी पेंट प्लस सिल्वर्स प्लस हैंडल पूरे 15,000 की कॉस्ट में हम आपको करके देते हैं चेंज। 6 पिलर लगाते हैं आपको 1500 रुपए में कॉस्ट पड़ती है, 2000 रुपए। हाई बीम और लो बीम दोनों देख सकते हो आप, एलॉयस महिंद्रा जेनुइन वाले जिसकी कॉस्ट अभी 28 से 30 हजार रुपए रेंज चल रही है, और कितनी इसके अंदर क्वालिटी हैवी है। दोनों मिरर प्लस स्विच की कॉस्ट पड़ती है 8,500 रुपए। ये प्रॉपर होल होके लगते हैं इसके अंदर। महिंद्रा जेनुइन स्पॉइलर हमने इसके अंदर लगा दिया है, मॉडिफाइड वाली टेल लाइट सिक्वेंशियल वाली इसके अंदर लगा ली है। जोटम की 2.3 mm की डैम्पिंग करिए, डोर ट्रिम की कॉस्ट आती है 20,000 रुपए, और 5500 रुपए में हमने इसके अंदर डाल दिए दोनों स्टेयरिंग बटन। एसी वेंट देख सकते हो, क्रोम लगाए, एंड्रॉइड लगाया जो कि डायमंड कहते हैं इसे। तो इस तरह से हमने गाड़ी को ब्लैक एंड बेज कलर की इंटीरियर में हमने तैयार कर दिया। तो गाइस वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जैटो रामा रोड पे आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आए हम क्लासिक एस। क्लासिक बेस मॉडल हमारे पास आई थी जो कि हमने कन्वर्ट किया क्लासिक 11 में, और उसके अंदर बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का काम हुआ है, और जो जरूरी काम था वो सारा इसके अंदर कस्टमर ने करवाया है। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ फ्रंट प्रोफाइल, तो सबसे पहले देख सकते हो आप बॉडी पेंट। बॉडी पेंट हमने जो कि सेम मैचिंग से हमने गाड़ी की मैचिंग के हिसाब से करा है, जो कि मैट फिनिश में महिंद्रा देता है, जिसकी क्वालिटी पेंट की हमने बिल्कुल सेम इसके अंदर रखी है, जिसकी डॉटेड जो रेशेस आते हैं सेम हमने इसके अंदर रखे हैं, आप देख सकते हो। और जैसे कि वो साइड प्रोफाइल में अपना सिल्वर देता है चारों डोर पे, सेम हमने वही सिल्वर इसके अंदर करके दिया, स्कॉर्पियो एम्बोजिंग सिल्वर कलर का करके दिया हमने। साइड वेंट जैसे सिल्वर वो देता वही हमने सेम दिया। साथ ही साथ हमने इसके पांचों हैंडल भी हमने इसके अंदर ब्लैक पेंट करके दिए, जिसकी कॉस्ट पड़ती है 15,000 रुपये। कंप्लीट पेंट का काम जो हमारा रहता है चारों तरफ से, बॉडी पेंट प्लस सिल्वर्स प्लस हैंडल पूरे 15,000 की कॉस्ट में हम आपको करके देते हैं चेंज। और फ्रंट ग्रिल में हम 6 के 6 पिलर लगाते हैं आपको 1500 रुपये में, जो कि क्रोम होता है महिंद्रा जेनुइन, स्क्रू से टाइट होता है, आफ्टर मार्केट में आता है चिपकाने वाला लोकल जो कि 4 दिन में गिर जाता है या फिर डस्ट पकड़ के ख़राब हो जाता है। इसकी गारंटी आती है महिंद्रा की, बहुत ही शानदार तरीके से इसकी फिटिंग होती है और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी लगती है, क्योंकि बिल्कुल भी इसके अंदर फर्क नहीं आता। जो चिपकाने वाला आता है कभी इधर गिरता है कभी इधर गिरता है, जो कि लुक ख़राब करता है गाड़ी की। साथ ही इसके अंदर देख सकते हो DRL महिंद्रा जेनुइन हमने इसके अंदर लगा दिया, जिसकी कॉस्ट पड़ती है 8,000 रुपये। फोग लाइट हमने लगा दी है, जिसकी कॉस्ट पड़ती है 2,000 रुपये। हेडलाइट हमने चेंज नहीं करी, स्टॉक में ही हमने 2 सेट LED डाली है, जोटम की 170 वाट वाली, जिसकी ब्राइटनेस 5000% बहुत ही शानदार रहती है, जो कि देख सकते हो आप कितनी हाई बीम और लो बीम दोनों देख सकते हो। अभी तो इतनी स्टेडियम लाइट में इतनी तेज रोशनी नजर आ रही है, अगर आप रोड पर ले जाओगे तो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर तक आपको बहुत ही शानदार लाइट मिलने वाली है, रात में भी उजाला करने वाली लाइट है। फोग लाइट में भी हमने 1 सेट इसके अंदर LED डाली है। तो फ्रंट प्रोफाइल से आप देख सकते हो हमने फोग लाइट DRL हेडलाइट में LED बम्पर पूरा पेंट प्लस ग्रिल क्रोम पूरी कंप्लीट करके दिए। फ्रंट प्रोफाइल के बाद आपको लेके चलते हो साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में आते हैं सबसे पहले हमारे टायर जो होते हैं रिम देते ही कंपनी महिंद्रा, हमने इसके अंदर क्लासिक एस में लगाए हैं एलॉयस महिंद्रा जेनुइन वाले जो कि S11 में आते हैं, जिसकी कॉस्ट अभी 28 से 30 हज़ार रुपये रेंज चल रही है। इसके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, 1000-2000 ऊपर नीचे चलते रहते हैं। और साइड फुटर्स हमने इसके अंदर लगा दिए महिंद्रा जेनुइन, जिसकी क्वालिटी आप देख सकते हो कॉर्नर टू कॉर्नर मिलने वाले हैं, पूरे बिल्कुल प्रॉपर होते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ आप देख सकते हो। मैं 75 किलो का आदमी इसके अंदर खड़ा हूँ और कितनी इसके अंदर क्वालिटी हैवी है। और साथ ही हमने ORVM क्लासिक के नहीं लगाए इसके अंदर, क्लासिक के बिल्कुल प्लेन आते हैं, ओल्ड S11 वाले लगाए हैं, जिसके अंदर की हमें इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। दोनों मिरर प्लस स्विच की कॉस्ट पड़ती है 8,500 रुपये विथ फिटिंग के साथ। साथ ही ऊपर देख सकते हो महिंद्रा जेनुइन रूफ रेल हमने इसके अंदर लगा दिया पूरी क्वालिटी के साथ। ये प्रॉपर होल होके लगते हैं इसके अंदर,
पूरे प्रॉपर आप देख सकते हो पेस्टिंग वाले होते हैं जो निकल जाते हैं, ये प्रॉपर छत के नीचे से नट दिए होते हैं, उसको स्क्रू टाइट करके प्रॉपर फिटिंग के साथ हम लगा देते हैं आपके लिए सिर्फ 5500 रुपये में। तो इस तरह से हमने फ्रंट प्रोफाइल और साइड प्रोफाइल आपको दिखा दी। साइड प्रोफाइल आप देख सकते हो किस तरह से गाड़ी क्लासिक 11 लग रही है और क्या क्वालिटी से हम तैयार करते हैं। आप पेंट की क्वालिटी भी चेक कर सकते हो, फुटरेस्ट, रूफ रेल, और हमारे जो बॉयज़ हैं जो लड़के काम करते हैं उनके अंदर इतनी बेहतरीन स्किल है फिटिंग की, क्योंकि वो कितने सालों से, कई 7-8 साल से, 10 साल से भी ऊपर महिंद्रा स्कॉर्पियो में काम कर रहे हैं, महिंद्रा का काम कर रहे हैं, तो इतने परफेक्ट हो चुके हैं वो, एक एक चीज़ इतनी स्मूथनेस और प्रॉपर फिटिंग की तरह लगाते हैं जैसे कंपनी महिंद्रा क्लासिक 11 तैयार करती है, सेम उसी तरह से कि इसको तैयार करते हैं। अब महिंद्रा सर्विस में भी गाड़ी जाएगी तो वहाँ भी लोग नहीं पहचान पाते कि गाड़ी क्लासिक है या क्लासिक एस है। अब आपको लेके चलता हूँ रियर प्रोफाइल की तरफ। रियर प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले महिंद्रा जेन्युइन स्पॉइलर हमने इसके अंदर लगा दिया है। महिंद्रा जेन्युइन स्पॉइलर विद पेंट हम आपको देते हैं 5500 रुपये में, जिसकी क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से इसके अंदर फिटिंग होती है। पूरे प्रॉपर तरीके से आप चारों तरफ से देख सकते हो, फिटिंग की क्वालिटी हमारी बिल्कुल प्रॉपर मिलने वाली है, कहीं से भी आपको कोई फ़र्क नहीं मिलने वाला। पूरे नट बोल्ट होल करके प्रॉपर तरीके से इसको हम फिट करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो मिरर, रियर जो मिरर होता है डिफॉगर वाला होता है, कस्टमर की अपनी चॉइस होती है उसको लगाना है तो वो भी लग सकता है। प्रॉपर तरीके से हम उसे एक्टिवेट करके देते हैं। इसमें हमने वाइपर एक्टिवेट करके दिया पूरा प्रॉपर तरीके से। ये वाटर स्प्रे, इसके अंदर से पानी आता है, अभी थोड़ी देर पहले चलाया था, अगर आपको चलाना तो वो भी हम चला के दिखा सकते हैं। रियर में देख सकते हो बम्पर पट्टा इसके अंदर हमने इंस्टॉल कर दिया प्रॉपर तरीके से, और कैमरा भी हमने जो ओरिजिनल जगह है वहाँ पर फिट कर दिया। देख सकते हो इधर पिलर, डमी पिलर जो आता है रेड कलर का आता था, जो कि चेंज करके कस्टमर ने ओल्ड वाली स्कॉर्पियो वाला ब्लैक पिलर इसके अंदर लगवा लिया, और पीछे वाली टेल लाइट चेंज करके मॉडिफाइड वाली टेल लाइट सिक्वेंशियल वाली इसके अंदर लगा ली है। नीचे रिफ्लेक्टर लगा दिया है स्कॉर्पियो एम्बोजिंग का, जो कि गाड़ी के अंदर बहुत ही बेहतरीन लुक दे रहा है। इस तरह से हमने फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल तैयार करा ली है, बहुत ही शानदार गाड़ी, प्रीमियम गाड़ी तैयार हुई है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की बात करूँ तो इंटीरियर में हमने इसके अंदर ब्लैक प्लस बेज कलर का कंट्रास्ट कलर, मतलब कंट्रास्ट कह लो या मैचिंग कलर कह लो, उस तरह से हमने इसे तैयार करा। और उसको करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, हमने इसके अंदर पूरी गाड़ी के अंदर जोटम की 2.3 mm की डैम्पिंग करी है, जो कि साउंड सिस्टम को भी और गाड़ी के देख सकते हो बहुत हैवी बनाती है डोर को भी, और पूरी गाड़ी को स्ट्रेंथ भी मजबूत करती है। तो साथ ही साथ आप देखो अब इसके अंदर डोर को हमने पूरा तैयार करा है, जो कि प्लेन गत्ते इसके अंदर आते थे उसको तैयार करके हमने डोर ट्रिम लगाई है। चारों डोर की, डोर ट्रिम की कॉस्ट आती है 20,000 रुपये। चारों डोर ट्रिम आप देख सकते हो महिंद्रा जेन्युइन होता है। एक एक स्विच जो हम इसके अंदर लगाते हैं सारे महिंद्रा जेन्युइन होते हैं पूरे प्रॉपर तरीके से। कोई भी हम आफ्टर मार्केट वाला प्रोडक्ट इसके अंदर वायरिंग भी कुछ भी यूज़ नहीं करते, सारे महिंद्रा जेन्युइन ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। साथ ही देख सकते हो इसके अंदर एक वेलकम लाइट इसके अंदर हमने इंस्टॉल कर दी है, बहुत ही बेहतरीन, जो कि गाड़ी के अंदर घुसने से पहले बहुत ही अच्छी लगती है। गाड़ी में अंदर जाने से पहले आप स्टीयरिंग दिखा सकते हो, स्टीयरिंग पूरा S11 वाला हमने तैयार करा दिया है। स्टेयरिंग पूरा स्टिच कर दिया फुल ब्लैक के साथ, 3 कट वाला आप देख सकते हैं, यू कर दिया इसका अंदर पियानो ब्लैक, और 5500 रुपये में हमने इसके अंदर डाल दिए दोनों स्टेयरिंग बटन। और साथ ही साथ देख सकते हो मीटर ब्लू लाइट आ रही है, जो कि क्लासिक 11 वाला है, वो इसके अंदर हमने चेंज कर दिया है। इसके अंदर जो भी फंक्शन चलते हैं वो आप देख सकते हैं। इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी के इंटीरियर में सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में देख सकते हो हमने जो चेंजेस करें, डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले मीटर लगाया, मीटर के बाद हमने आप एसी वेंट देख सकते हो, क्रोम लगाए हैं, पूरे कंप्लीट एसी क्रोम हम लेके लगाते हैं पूरे, देख सकते हो आप पूरा किस तरह से हम पूरा एक यू सब चीज़ इसके अंदर पूरे प्रॉपर तरीके से चेंज कर देते हैं। और साथ ही आप देख सकते हो इसके अंदर हमने एक एंड्रॉयड लगाया, जो कि डायमंड कहते हैं इसे, बहुत ही बेहतरीन, और टच देख सकते हो कितना शानदार इसका काम करता है। इस तरह से हमने पूरा तैयार करा है, और इसके अंदर फ्रेम जो हमने लगाया एशवुड कलर का लगा दिया है, और साथ ही कंसोल भी हमने एशवुड में इसके अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया। आगे लगाए डोर में हमने डैम्पिंग पूरी, चारों पूरी गाड़ी को हमने डैम्पिंग करा जोटम की 2.3 mm के साथ, और साथ ही आगे फ्रंट डोरों में लगाए कॉम्पोनेंट, रियर में लगाया ओवल प्लस। बेस ट्यूब की बात करें तो इसके अंदर विद बॉक्स के साथ हमने इसके अंदर JBL के 1300 वाट के बूफर डाला है। ठीक है, इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी के इंटीरियर में सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में देख सकते हो हमने जो चेंजेस करें, डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले मीटर लगाया, मीटर के बाद हमने आप एसी वेंट देख सकते हो, क्रोम लगाए हैं, पूरे कंप्लीट एसी क्रोम हम लेके लगाते हैं पूरे, देख सकते हो आप पूरा किस तरह से हम पूरा एक यू सब चीज़ इसके अंदर पूरे प्रॉपर तरीके से चेंज कर देते हैं। और साथ ही आप देख सकते हो इसके अंदर हमने एक एंड्रॉयड
लगाया जो कि डायमंड कहते हैं इसे, बहुत ही बेहतरीन, और टच देख सकते हो कितना शानदार इसका काम करता है। इस तरह से हमने पूरा तैयार करा है, और इसके अंदर फ्रेम जो हमने लगाया एशवुड कलर का लगा दिया है, और साथ ही कंसोल भी हमने एशवुड में इसके अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया। आगे लगाए डोर में हमने डैम्पिंग पूरी चारों पूरी गाड़ी को हमने डैम्पिंग कराया झोटम की 2.3 mm के साथ, और साथ ही आगे फ्रंट डोरों में लगाए कॉम्पोनेंट, रियर में लगाया ओवल, प्लस बेस ट्यूब की बात करें तो इसके अंदर विद बॉक्स के साथ हमने इसके अंदर JBL के 1300 वाट के बूफर डाला है। अब बात करो इंटीरियर की, तो इंटीरियर में जो हमने इसको तैयार करा है गाड़ी को, हाफ बॉडी इसके अंदर अपर हमने रखा है ब्लैक, और नीचे नीचे से जो भेज आती है सेम वही रखा है। आप देख सकते हो ऊपर का पूरी रूफ वेलवेट के साथ हमने इसको तैयार करा, पूरा ब्लैक कलर के अंदर, बहुत ही स्मूथनेस आती है और बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ करा। एक एक पिलर आप देख सकते हो, सारे पिलर जो कि भेज आते हैं हमने सारे पिलर देख सकते हो ब्लैक कर दिए, और साथ ही साथ सनशेड भी हमने इसके अंदर ब्लैक करके दे दिए, और साथ ही हमने इसके अंदर डाला है सनग्लास होल्डर, देख सकते हो 200 वाट LED के साथ बहुत ही बेहतरीन डाला है। इसके अंदर सनग्लास होल्डर प्रॉपर तरीके से मिल जाता है आपको, बीच वाली लाइट में येलो बल्ब की जगह हमने वाइट बल्ब डाल दिया है, और एक एक हैंडल हमने इसके अंदर पूरा ऊपर जो लगे हुए हैं सारे सब ब्लैक करा है। तो ऊपर से पूरा आप देख सकते हो पूरा बारीकी से पूरा प्रॉपर तरीके से हमने इसके अंदर ब्लैक करके दे दिया है। तो गाड़ी को हमने दिखाया आपको ऊपर हाफ बॉडी ब्लैक, अब चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे मैं आपको दिखा सकता हूँ सीट कवर की हमारी प्रीमियम क्वालिटी जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इस प्रीमियम क्वालिटी की सीट कवर आपको कहीं नहीं मिलने वाले, क्वालिटी आप देख सकते हो कहीं भी आपको 0% रिंकल कहीं नहीं मिलने वाले, एक भी रिंकल की गारंटी है। और आप देख सकते हो थाई सपोर्ट किस तरह से हमने तैयार की है जो कि आपकी ड्राइव को बहुत ही कंफर्टेबल बनाती है, जो कि आपके सपोर्ट से आपके लेग्स में कोई भी पेन वे नहीं आ सकती। और साथ ही इसके अंदर हमने लगाया आर्मरेस्ट, फ्रंट दोनों सीटों आर्मरेस्ट लगाया जो कि आपकी ड्राइव को बहुत ही स्मूथ बनाता है, और बिल्कुल भी आपको गाड़ी ड्राइव करते हुए या गाड़ी में साथ बैठते हुए कभी भी थकान नहीं होती। और क्वालिटी की बात करते हो पीछे भी आप सीट कवर की क्वालिटी देख सकते हैं कितनी बेहतरीन इसके अंदर हमने तैयार करके दिए। साथ ही अगर पीछे वाली सीट में भी आपको आर्मरेस्ट लगवाना है तो वो भी हम कंसोल जिसे कहते हैं वो भी हम लगा देते हैं। तो भैया रियर डोर देख सकते हो पूरा जो डो गत्ता है हमने पीछे से पूरा ब्लैक कर दिया लेदर से, बहुत ही शानदार। इसके ऊपर हमने लगाए पाइनियर के 650 वाट के ओवल, और पीछे लगाए हमने बॉक्स के अंदर बूफर 1300 वाट JBL का, अगर आपको 1500 में मिल जाएगा। फ्लोर की प्रोटेक्शन के लिए हमने इसके अंदर लगाई 90 फ्लोरिंग, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी प्रॉपर फिटिंग के साथ आपको मिलने वाली है, और ऊपर से डाला इसके अंदर 70 मैट, और 70 मैट के साथ इसके ऊपर ही डाला है ग्रास मैट जो कि आपके डस्ट वर्ष या वाटर को इसके अंदर सोख लेता है जिससे गाड़ी के अंदर डस्ट नहीं फैलती। तो भैया गाड़ी की डिलीवरी का टाइम आ गया, कस्टमर आ गए, कस्टमर से लेते हैं फीडबैक, यहीं ले लेते हैं आज। तो भैया कहाँ से आए हैं? हम रेवाड़ी से आए हैं। भैया कौन सी गाड़ी लेकर आए थे आप? स्कॉर्पियो S लेके आए थे यहाँ। अब आपको कौन सी गाड़ी मिल रही है? अभी S11 लेके जा रहे हैं यहाँ पे। तो भैया सुबह गाड़ी भैया लेकर आए थे क्लासिक S जो कि जय ऑटो पे तैयार हुई, उसके शोरूम भैया ने इनकी गाड़ी पूरी तैयार कर दी है, क्लासिक 11 में कन्वर्ट कर दिया, और उससे भी बेहतरीन मुझे लग रहा काम हुआ है। आप खुद बताओ कि भैया कैसा लग रहा है आपको गाड़ी में काम? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा हम सोच के आए थे उससे बेहतरीन काम हुआ है यहाँ पे, और इनका क्लाइंट हैंडलिंग का काम बहुत अच्छा है, स्टाफ है बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ पे, जैसा बोलते हैं वैसा काम कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा काम हुआ है यहाँ पे। तो भैया इस तरह से हम गाड़ी को बेस टू टॉप करते हैं, जो भी हमारे लड़के हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरे महिंद्रा की सब गाड़ियों के लिए पूरे टैलेंटेड हैं लड़के, जो चीज़ बोलो जैसे बोलो प्रॉपर तरीके से कर देते हैं गाड़ी को तैयार। अगर आपके पास भी स्कॉर्पियो क्लासिक या स्कॉर्पियो N बेस मॉडल, बीच वाला मॉडल या टॉप मॉडल, और उसको अंदर कुछ भी काम कराना है तो आप आ सकते हैं अपने सोनू भाई के पास, जय ऑटो रामा रोड मोती नगर।